एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो मैंने सुबह बताया था कि नाश्ते में हम झटपट नाश्ता कैसे बना सकते हैं, वो भी हेल्दी। और अभी मैं लंच में नॉर्मल खाना, सादा खाना बना रही हूँ, दाल चावल और आलू का चोखा। तो आलू का चोखा आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट करके मैं ज़रूर बताइए। और ये सादा खाना है, जैसे यूपी का फेमस खाना है चोखा। तो आइए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको सब बताऊंगी दाल चावल चोखा बनाना, तो आइए देखते हैं। एंड तक ज़रूर देखना कि कैसे सब बनाती हूँ, और एंड तक देखिए और मुझे बताइए। और यहाँ जिसको नहीं कुछ आता है वो भी बनाना सीख जाएगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझा या नहीं समझा, और आपने कितना बनाया, कितना ट्राई किया। मैंने चावल भिगा के रख दिया है, तो ये चावल को आधा घंटा पहले जब बनाना है तो भिगा के रखेंगे, तो ये चावल छुट्टा छुट्टा होता है। तो इसका क्या, मैं ये जो पानी है मैंने ज़्यादा रखा है, तो ये पानी में हाफ बॉयल होने के बाद, चावल पकने के बाद मैं उसका पानी निकाल दूँगी, जिसको माड़ बोलते हैं। मैंने कुकर में दाल रख दिया है, दाल को मैंने धो के उसमें पानी डाल के और खाली हल्दी नमक डाला है, और इसको मैंने प्रेशर लगा दिया। लेकिन मैंने इसके साथ और एक चीज़ डाला है, जो कि मेरे को आलू का चोखा बनाना है, तो मैंने अच्छे से आलू को वॉश कर दिया है और मैंने दाल के साथ ही डाल दिया है उबालने के लिए। तो आप भी वैसा डाल सकते हो, उससे कोई टेस्ट आपका बदलता नहीं है, लेकिन आलू को खाली अच्छे से धो लेना है। देखो, मैंने चावल भिगा के रखा था, जो कि मैंने आपको बताया था, और अभी मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है पकने के लिए। और यहाँ दाल भी हो गया है, तो मैं आपको बताती हूँ दाल खोल के। ये देखो, मैंने आलू और दाल एक ही में उबाल दिया था, तो मैं आलू को अभी, ये देखो मैंने आलू निकाल दिया है, तो ये सादा दाल है, ये देखो। तो इसको हम फ्राई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ये आलू मैंने निकाल दिया है दाल में से, जो मैंने साथ में उबालने के लिए रखा था, अच्छे से धो के मैंने उबाला है उसके साथ। तो क्या ये अलग से आप नहीं भी उबालेंगे तो चलेगा। मैंने चोखे के लिए तैयारी कर ली है, तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का कांदा काटा है छोटे साइज़ में, और यहाँ लहसुन और मिर्ची बारीक बारीक काट ली है। आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हो, या आप ऐसा काट के भी डाल सकते हो। और यह धनिया का पत्ता है, थोड़ा सा धो के मैंने काट लिया है, जो उसमें मैं मिक्स कर दूँगी। और साथ में मैं थोड़ा सा सरसों का तेल भी डालूँगी स्वाद के लिए, और साथ में नमक। तो बनाते हैं चोखा, आइए। ये मैंने आलू को छील लिया है, जो मैंने अभी गरम गरम निकाला दाल में से, तो ये अभी काफ़ी गर्म है, देख सकते धुआं निकल रहा है। तो हम इसमें ये कांदा, मिर्ची, लहसुन और जो काटा है धनिया, वो हम सब मिक्स कर लेंगे इसमें। तो आइए मिक्स करते हैं। देखिए, मैंने इसमें सब साथ में डाल दिया है, धनिया का पत्ता और जो काटा था वो। अभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे हम, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, और ये चोखा रेडी है आलू का। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाता है, खाली तेल, कांदा, लहसुन, मिर्ची और धनिया का पत्ता और स्वाद अनुसार नमक। तो बस ये रेडी हो गया है, और मैंने आपको दाल भी बताया, दाल भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए, ये हाफ बॉयल हो गया है। इस पे ना आप देख से हाथ से भी दबा के देख सकते, और इस पे चावल पे ना, नहीं तो ऐसा लाइन आ जाते हैं तीन चार, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया है। तो इसका हम पानी निकाल देंगे अभी। तो ये देखिए, मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो पानी निकालने के बाद इसको हमको कुछ मिनट, मतलब 2 मिनट तक स्लो पे ढक के पकाना है, जो उसका आधा कच्चा रहेगा वो पक जाएगा। हमारा 2 मिनट तक पका के हो गया है, तो ये ऑलमोस्ट चावल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कैसे छुट्टा छुट्टा हुआ है। तो आप भी ऐसे ही घर पे बनाइए चावल, और मुझे बताइए कमेंट में। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ।
तो आपने देखा मैंने दाल चावल चोखा बनाया है, तो मैंने आपको सब बताया कि मैंने कैसे कैसे क्या बनाया है। तो आप ये तो मानते हैं कि हम बाहर कितना भी पकवान खा ले, लेकिन घर में हमको एक दाल चावल सादा भी मिल जाए तो हमको बहुत सुकून मिलता है। तो यही वही दाल चावल है जो हमारा भूख और सुकून मिटाता है। तो आप भी घर पर बनाइए ये दाल चावल और आलू का चोखा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लगा। और नहीं भी लगा तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो 100% श्योर है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा ये। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो सुबह मैंने आपको नाश्ता बताया था, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैं इसको अभी बताती हूँ कि सर्व करके कैसे दिखता है और कैसे हम सर्व कर सकते हैं। तो ये है यूपी का सबसे बेस्ट खाना जो लंच में लोग बनाते हैं। तो मैं भी एक यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत यूपी का खाना आपको मैं बता दूँ कैसे बनता है। ये तो सबके घर पे बनता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी ऐसे सब चीज़ बनती है जो सादा होती है लेकिन स्वाद में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको तब तक सर्व करके बता दूँ, तब तक आप फटाफट मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।